5 जटिल दिन भर के काम आसानी से पूरे होंगे। कुछ लोग आपसे मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण नई परिस्थितियां बन सकती हैं। उनसे आपको फायदा होगा। आपको अपना मन खुला रखना होगा। वास्तव में थोड़ा विचार और सौदेबाजी से आप और कुछ ज्यादा हासिल कर सकते हैं। आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव, सावधान रहे। हाथों हाथ किसी ऑफर को एक्सेप्ट ना करें। जो सकारात्मक होता नजर आए उसे आप फिलहाल किसी और को ना बताएं। आप अति उत्साही भी होंगे तो आपको इसका नुकसान हो सकता है। आज आप किसी काम को लेकर बहुत उतावले हो सकते हैं, लेकिन सावधान रहे। क्या करें, किसी ब्राह्मण को खोपरे का तेल दान करें। लव अपोजिट जेंडर वाला कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है। नजदीकी लोगों से संपर्क करने में आसानी होगी। लव प्रपोजल के लिए समय अच्छा है। दिन का फायदा उठाएं। करियर धन लाभ की संभावना है। बिजनेस में भी फायदा होगा। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। जोखिम लेने से बचे। पढ़ाई में दिन भर मन लगेगा। हेल्थ, परिवार में भी किसी बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। रिश्ता जटिल जहाँ से जुड़े मामलों के लिए दिन अच्छा है। आज आप दोस्त और साथ काम करने वाले लोगों की मदद करेंगे। आप अपने हर काम काज में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी रखें। आप जो भी करेंगे उस पर उंगली उठाने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। ऑफिस में कोई बड़ा काम भी आपको मिल सकता है। परिवार के काम निपटाने के लिए समय निकाल लेंगे। आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे। दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। नेगेटिव, चंद्रमा गोचर कुंडली के छठे भाव में रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उन कामों में आपको परेशानियां आ सकती है। ऑफिस में विरोध की संभावना है। कामकाज को लेकर आपकी आलोचना हो सकती है। काम का बोझ भी ज्यादा हो सकता है। किसी खास काम को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। क्या करें, किसी मंदिर में फैग पूजा की सुपारी दान दें। लव साथी की तारीफ करें। दाम्पत्य जीवन में विवाद हो सकता है। वाणी पर कंट्रोल रखें। करियर बिजनेस में धन हानि हो सकती है। जोखिम भरे निवेश ना करें। बड़े फैसले करने का मूड नहीं रहेगा। संगीत और कला की तरफ रुझान बढ़ेगा। कानूनी पढ़ाई करने वालों को सफलता मिलेगी। हेल्थ, सिर दर्द हो सकता है। पेट के रोग भी परेशान कर सकते हैं। मिथुन, 5 जटिल रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। उम्मीदें भी ज्यादा रहेंगी। बारीकी से काम काज निपटने की कोशिश करें। आज आप मानसिक तौर पर एक्टिव हो जाएंगे। कुछ नए मौके भी आपके सामने आ सकते हैं। दोस्त और प्रेमी जन आपके लिए मददगार रहेंगे। कहीं घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। खान पान पर कंट्रोल करें। पुरानी परेशानियां कम हो सकती हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। आपकी प्लानिंग पूरी हो सकती है। कारोबार बढ़ाने के लिए अच्छा दिन है। इनकम भी बढ़ सकती है। कोशिशें सफल रहेंगी। नेगेटिव, कोई काम रुक भी सकता है। कुछ मामलों में खुद की ही आदतों से परेशान हो सकते हैं। कुछ पुरानी बातें भी आपको टेंशन दे सकती है। किसी बात को लेकर मन में डर रहेगा। वैचारिक उथल पुथल भी हो सकती है। क्या करें, बरगद के पेड़ में मीठा दूध चढ़ाएं। लव प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। 2 दिन बाद सब ठीक भी हो जाएगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। प्रेमी के साथ आने वाले दिनों का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। करियर, जूनियर कर्मचारियों से कहा सुनी हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें। काम की चीजों पर ध्यान देंगे तो दिन कारगर साबित हो सकता है। कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए दिन शुभ रहेगा। हेल्थ, मानसिक तनाव और नींद की कमी रहेगी। कर्क, 5 जटिल आपका मन आने वाले अच्छे समय का इशारा कर सकता है। प्रेम और रोमांस के मामले में सफलता मिल सकती है। कोई भी काम निपटाने से पहले अच्छे से सोच विचार जरूर करें। आप बहुत संवेदनशील रहेंगे और दूसरों की समस्याओं को गंभीरता से भी सुनेंगे। शादी के भी ऑफर भी मिल सकते हैं। माता से या माता के नाम के उपयोग से भी आपके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और बिजनेस बढ़ाने के लिए प्लानिंग बनाएंगे। कुछ मामलों में किस्मत का साथ भी मिल सकता है। अपने से जुड़े कुछ लोगों की मदद करेंगे।
आपके साथ कुछ लोग आपको लगातार सपोर्ट करेंगे। नेगेटिव प्रेमी के साथ अनबन हो सकती है। कामकाज में मन कम ही लगेगा। रोज एक ही जैसे काम कर रहे हैं तो उससे बोरियत महसूस हो सकती है। नया काम शुरू करने के लिए दिन ठीक नहीं है। निवेश के लिए भी समय ठीक नहीं है। कामकाज में अचानक बड़े बदलाव के बारे में ना सोचे तो ही अच्छा है। दूसरों की परेशानियों में दखल ना दे। क्या ना करे गंदे कपड़े ना पहने। लव पार्टनर आपकी लगभग हर बात मानेगा। शादीशुदा लोगों को जीवन साथी से मदद मिलेगी। नौकरी पेशा या बिजनेस करने वालों को अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन बढ़ेगा। करियर आज मेहनत ज्यादा रहेगी। बड़े निवेश के लिए भी समय ठीक नहीं है। कर्क राशि के स्टूडेंट सावधान रहे। हेल्थ मौसमी बीमारियां हो सकती है। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। सिंह पॉजिटिव जीवन के लगभग हर फ्लू में बदलाव करने वाली ऊर्जाओं का असर होगा। परिवार और प्रेमी जनों की समस्याएं सुलझाना आपके लिए ज्यादा कारगर रहेगा। परिवार में कोई अनबन या गलतफहमी की स्थिति सुलझ जाएगी। दूसरों की मदद करने के कुछ मौके आपको मिल सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आपके लिए खास रहेंगी। लिहाजा कुल मिलाकर आपको थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। समय का आनंद ले। नेगेटिव कोई बड़ा फैसला भी ना करें। प्रेमी या जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। उसे मनाने के लिए भी आप जतन कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। धैर्य रखें। आपके लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ मामलों में आप परेशान हो सकते हैं। वादे पूरे ना होने से निराशा भी हो सकती है। क्या करें विष्णु भगवान को इत्र लगाएं। लव लाइफ की पुरानी समस्या सुलझ सकती है। जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान है उसे ईमानदारी से अपनी पूरी सोच बता दें। करियर प्रोफेशनल लाइफ ठीक ठाक ही रहेगी। खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। कुछ दोस्त आपका मजाक उड़ा सकते हैं। पढ़ाई में किसी चीज की कमी भी महसूस हो सकती है। सब्जेक्ट या फील्ड बदलने का विचार छोड़ दें। जो तनाव है वह गुजर जाएगा। हेल्थ परिवार का कोई सदस्य भी बीमार हो सकता है। कन्या पॉजिटिव चंद्रमा की अच्छी स्थिति से धन लाभ होगा। सफलता वाला दिन है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोग अपने टारगेट पर ध्यान दें। मेहनत का भी फल आपको मिलेगा। कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। आज आप बहुत बातूनी मूड में हो सकते हैं। अपने लॉजिक और जान से आप सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। अपने टारगेट लगातार ध्यान में रखें। आपको अचानक कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। नौकरी और बिजनेस में उन्नति के योग बन रहे हैं। दिनचर्या में थोड़ा से बदलाव से आपका जीवन सहज हो सकता है। बिजनेस या नौकरी में भी बदलाव का मन बनेगा। नेगेटिव एक बार में एक ही काम करें। घर परिवार का कोई मेहनत भरा काम निपटाने पर ध्यान देंगे। कठिन और थोड़े परेशान करने वाले सौदे आपके सामने आ सकते हैं। कुछ खास कामकाज में लापरवाही के कारण आपके दूसरे काम भी बिगड़ सकते हैं। क्या करें नमक का दान दें। लंभावनाओं की भराई का एहसास होगा। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आएंगी। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। करियर बिजनेस के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। बिजनेस बढ़ सकता है। बदलाव का भी मन बनेगा। इंटरव्यू की तैयारी करना बेहतर होगा। संभावित सवालों के सिर्फ सटीक और छोटे जवाब तैयार करें। आपको फायदा होगा। हेल्थ मानसिक तनाव और पेट दर्द भी हो सकता है। तुला पॉजिटिव आपके फेवर में दिन हो सकता है। आपकी ही राशि में चंद्रमा होने से सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। पैसों की कमी या दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी बात पर ज्यादा जोर देने से बचें। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। पैसे कमाने के नए अवसर भी मिल सकते हैं। ऐसे मामलों में धैर्य से विचार करें, जानकारी जुटाएं और फिर फैसला करें। किसी गलती से भी बच सकते हैं। रोमांटिक संबंध और बेहतर हो सकते हैं। नेगेटिव तुला राशि के लोग सावधान रहे। फालतू चीजों पर खर्चा करने में आज आप अति कर सकते हैं। इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। आपकी जेब खाली भी हो सकती है। ऑफिस में आपके कामकाज में कोई गलती रह सकती है। कामकाज या घर में आप जो बदलाव करना चाह रहे हैं उससे खुद परेशान भी हो सकते हैं।
क्या करें, मंदिर में गेहूं दान करें? लवर, आप खुद कुछ ना कहे तो बेहतर रहेगा। कुछ खाने पर संबंधों में तनाव हो सकता है, बेहतर होगा कि भावनाओं को समझने की कोशिश करें। पुराने मामले निपटाने के लिए अच्छा दिन है। करियर धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय पहले से थोड़ा ठीक रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को चतुराई से फायदा हो सकता है। पढ़ाई में मेहनत करेंगे स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ कार्ड या दांत के रोग हो सकते हैं। मौसमी बदलाव से बुखार आ सकता है। वृश्चिक राशि आमदनी बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। समस्या का नया समाधान निकालने में आप सफल रहेंगे। दोस्तों के साथ समय बीतेगा। पड़ोसियों से भी अच्छी बातचीत होगी। नए लोगों से भी दोस्ती हो सकती है। चंद्रमा आपकी राशि से 12वीं राशि में होगा तो यात्रा का योग बनेगा। आपके कुछ निजी मामले सुलझेंगे। करियर के मामले में सकारात्मक ऑफर मिलेंगे। नेगेटिव चंद्रमा के कारण फालतू खर्चा होगा। आज आप खर्चों पर कंट्रोल रखें। कोई चीज खरीदने के पहले सारी बातों को बारीकी से जांच लें। आपको किसी बात का अफसोस या कोई शिकायत भी हो सकती है। क्या करें, राम या कृष्ण मंदिर में गेहूं दान दे? लव, किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेमी कोई सरप्राइज भी दे सकता है। करियर बिजनेस में धन लाभ होगा। नए लोगों से सहयोग मिलेगा। परीक्षा में सफलता मिलेगी। हेल्थ सेहत सामान्य रहेगी। चोट लग सकती है। धनु राशि, पैसे और परिवार से जुड़े काम होंगे। चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव में रहेगा। आप सही समय पर सही जगह मौजूद रहेंगे। किसी बड़े और खास काम के डिसीजन ले सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे विचार आपके दिमाग में आएंगे। आज आप बड़ी योजना बना सकते हैं और उस पर अभी से काम भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी चीजें आपको मिल सकती है। आपको जो काम मिलेंगे उनसे आप खुश हो जाएंगे। पैसों के लिहाज से स्थिति काफी अच्छी भी हो सकती है। किस्मत का साथ मिलेगा। कर्मचारी अधिकारी आपके कामों से संतुष्ट होंगे। सभी का सहयोग मिल सकता है। नेगेटिव धनु राशि वालों को खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। आप कोई बड़ी बात भी भूल सकते हैं। पुराने लेने देन को लेकर किसी से विवाद या तनाव जैसी स्थिति बन सकती है। क्या करें, नींबू का दान दें? लव, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। लोगों से मिलने के लिए फल आपको करनी पड़ सकती है। करियर कार्य क्षेत्र और बिजनेस में अच्छा फायदा मिल सकता है। आपको कोई कठिन काम भी मिल सकता है। लगातार मेहनत भी करनी पड़ेगी। हेल्थ, भोजन में ध्यान रखें और मसालेदार चीजों से बचें। पेट के रोग हो सकते हैं, सावधान रहें। मकर राशि गोचर कुंडली में कर्म भाव का चंद्रमा होने से दिन थोड़ा ठीक रहेगा। पुरानी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। कोई व्यक्ति भावनात्मक तौर पर आपका समर्थन करेगा। नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के कुछ अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं। आज होने वाली कोई खास बातचीत आपको भविष्य के लिए एक साफ इशारा दे सकती है। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। कुछ दोस्त आपके लिए खास रहेंगे। किसी से भी संबंध ना बिगाड़े। ऑफिस में आप सफल हो सकते हैं। पैसों के साथ साथ ज्यादातर मामलों में आपको सफलता मिलेगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इनकम बढ़ सकती है। तनाव भी कम होगा। राहत मिलेगी। नेगेटिव, मन में किसी फैसले को लेकर संकोच हो सकता है। संकोच के कारण आप कुछ अच्छे मौके भी गंवा सकते हैं। सावधान रहे। पैसों की टेंशन हो सकती है। पैसों के मामले सुलझाने में थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। क्या करें, किसी दोस्त को उधार पैसा ना दे? लव, आपका दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में चलेंगे। लव लाइफ में आपके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। जीवन साथी की बात माने। करियर, ज्यादा खर्चा करने से आप परेशानी में फंस सकते हैं। जोखिम भरे निवेश ना करें तो ही अच्छा है। कम मेहनत में भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हेल्थ, परिवार के किसी बड़े सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनसे आपको फायदा हो सकता है।
नौकरी, बिजनेस और समाज में आपकी हैसियत बढ़ सकती है। नए और रोचक मौके भी मिल सकते हैं। अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। आपको जहां जैसी जरूरत होगी वैसी मदद मिल जाएगी। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव भावनाओं में आकर कोई भी फैसला ना करें। अपनी स्थिति को लेकर आप कोई गलत फैसला भी ले सकते हैं। किसी ना किसी तरह की बेचैनी हो सकती है। आपको कोई नई चुनौती भी मिल सकती है। दूसरों के झगड़े में फंसने से बचें। इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। सावधान रहे, क्या करे, किसी गरीब को केला खिलाए या मंदिर में दान दे। लव प्रेम के मामलों में आप सुस्ती महसूस करेंगे। परिवार और जीवन साथी के साथ समय बीतने से आप खुश रहेंगे। करियर लेन देन में सावधानी रखें। वाणी पर संयम रखें। कैंपस में भागदौड़ ज्यादा हो सकती है। हेल्थ सेहत के मामले में समय ठीक है। थकान और आलस्य से परेशान रहेंगे। मीन पॉजिटिव, आज आप इच्छानुसार काम करने के मूड में रहेंगे। रोजमर्रा से हटकर भी कोई काम करने का मन बना सकते हैं। मन की बात करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। नौकरी या किए गए किसी निवेश के बारे में कोई गंभीर फैसला भी आज हो सकता है। करियर की परेशानियां कम हो जाएंगी। नौकरी की स्थिति बेहतर बनाने के बारे में दोस्तों और साथियों से विचार विमर्श हो सकता है। आपको फायदा भी होगा। खुद की ही प्रेरणा से आगे बढ़ते जाएंगे। नेगेटिव सावधान रहे। गुस्सा और लापरवाही से नुकसान होने की संभावना है। आपसे कोई गलती भी हो सकती है। ऑफिस और बिजनेस में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। कोई बुरा सपना या अपशकुन के संकेत भी आज आपको मिल सकते हैं। इससे थोड़े सावधान ही रहे। कागजी कामकाज में भी कोई गलती हो सकती है। आपका आत्मविश्वास कुछ कम भी हो सकता है। कुछ परेशानियों के कारण मानसिक तौर पर ज्यादा थकान हो सकती है। जो काम आपको संभव नजर आ रहा था वह अटक भी सकता है। क्या करें, हनुमान मंदिर में फैल बादाम चढ़ाएं। लव पार्टनर को अपनी भावनाएं बताएं। लव लाइफ में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। प्रेम संबंधों भी सुधार होने के योग हैं। करियर प्रोफेशनल लाइफ सामान्य रहेगी। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। सफलता देने वाली कोई खबर भी मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है। हेल्थ, छोटे बच्चों की सेहत को लेकर परेशानी बढ़ सकती है।